आज का दिन 2014 की टोयोटाविट्स के नाम, टोयोटाविट्स जिसको टोयोटा यारिस भी कहा जाता है और टोयोटा एको भी कहा जाता है, काफ़ी कामयाबी से दुनिया भर में इसकी पुरानी शेप भी, उससे पुरानी शेप भी लोगों ने काफ़ी पसंद की, ना सिर्फ पाकिस्तान और भी काफ़ी मुल्कों में, एशिया के और यूरोप में भी, ख़ास तौर पर यूरोप में भी। और मैं बता दूँ ये गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी पसंद की गई है। और हिस्ट्री कहा जाए गाड़ी की तो 99 से ये गाड़ी चल रही है और अब तक चल रही है, बट अब ये टोयोटा विट्स के नाम से नहीं आती। 2019 के बाद ये गाड़ी टोयोटा यारिस के नाम से आ रही है। गाड़ी में अगर देखा जाए ओवरऑल गाड़ी की शेप, विट्स जितने भी इनमें मॉडल्स होते हैं काफ़ी हद तक शेप एक ही है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी 2010 से यही शेप चल रही है, जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस हैं फ्रंट से और बैक से लाइट्स के, जिसकी वजह से टोयोटा विट्स की सेल में भी काफ़ी प्रॉब्लम आया और सेल काफ़ी इनकी डाउन हो गई है। और दूसरा ये कि प्राइस इसकी ज़्यादा होने की वजह से इंटरनेशनली लोग अब ये नहीं लेते, लोग और ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। टोयोटा विट्स राइट हैंड भी आती है, लेफ्ट हैंड भी आती है। टोयोटा विट्स ना सिर्फ पेट्रोल में बल्कि आप सरप्राइज होंगे कि डीजल में भी आती है। इसमें डीजल वर्जन भी आता है इसी शेप में, पुरानी शेप में भी आता था, और इस टाइम ये टोयोटा विट्स हाइब्रिड में आ रही है, पेट्रोल हाइब्रिड में। इसमें इलेक्ट्रिक फ़िलहाल नहीं आई, बट इनका प्रोग्राम है कि जल्द से जल्द, क्योंकि अब ये टोयोटा यारिस के नाम से आ रही है 2020 से, अब ये विट्स इसमें नाम ख़त्म हो गया हुआ है। टोयोटा विट्स को पाकिस्तान में स्पाइडर शेप की विट्स भी कहा जाता है, और ये अगर फ्रंट से देखा जाए काफ़ी हद तक आपको स्पाइडर शेप की विट्स भी लगती है, क्योंकि इसका फ्रंट बम्पर लाइटें काफ़ी हद तक वही हैं। ओवरऑल दुनिया में इसको काफ़ी पसंद किया गया विट्स को। और जहाँ तक पार्ट्स का ताल्लुक है, रीसेल का ताल्लुक है, पाकिस्तान में ये बिकती है। आजकल तो वैसे रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, मेरे कुछ पुराने इसका मैंने एक दो रिव्यूज़ किए थे, उसमें मैंने रेट बताया था 14-15 लाख या 16 लाख शायद, तो उस पर काफ़ी लोगों ने कहा था, बट अब यही गाड़ियाँ 23-24 लाख की हो गई हैं। तो इससे हिसाब लगा लें कि रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। और इस टाइम मैं बता दूँ इम्पोर्ट बंद है, गाड़ियों की इम्पोर्ट बंद है, क्योंकि इम्पोर्ट का जो नया तरीका है उससे कोई भी नहीं मंगवा रहा, और पोर्ट पर काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस, ये 15-16 लाख की थी गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ 15-16 लाख की होती थी, जिससे अब ये गाड़ियाँ 20-22-23 कोई 26 भी मांग रहा है। इवन आपने देखा होगा इसमें जो हाइब्रिड वर्जन है उसका 32-35-35 लाख भी लोग मांग रहे हैं 15-16 मॉडल का। जहाँ तक शेप का ताल्लुक है, शेप ये 2010 से यही शेप चल रही है, 2010 से यही विड्स की शेप चल रही है। शेप में कोई चेंजेस ख़ास नहीं आई, जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस हैं लाइट की, ग्रिल की, बम्पर की, इंजन भी वही है। जहाँ तक इंजन का सवाल है, इंजन इसमें 1 लीटर पेट्रोल आता है, 1.3 पेट्रोल आता है, 1.5 पेट्रोल आता है, 1.6 पेट्रोल आता है और 1.8 पेट्रोल आता है, डीजल 1.4 में आता है इसमें। जहाँ तक पैकेजेस का ताल्लुक है तो गाड़ी में बी भी आता है पैकेज, एफ भी आता है, एफ लिमिटेड भी होता है, बी लिमिटेड भी होता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि टॉप का कौन सा है, टॉप का अगर बात की जाए तो इसमें जूलिया एडिशन भी आता है, स्माइल एडिशन भी आता है, फिर आप कह लें इसमें आरएस वर्जन भी आता है। विट्स में जो जूलिया वर्जन आता है उसमें कलर का फ़र्क आ जाता है, पिंक, येलो, ऑरेंज, इस टाइप के कलर्स होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में, और मेरा ख्याल है इधर रीसेल में थोड़ा सा आपको तंग करते हैं, बट ये है कि वही उसकी कदर जानता है जिसको वो कलर पसंद। अगर फ्रंट से देखी जाए, ऑप्शन वाइज देखी जाए, LEDs नहीं है फ्रंट पर, रडार नहीं है गाड़ी में जो कि होना चाहिए, क्रूज़ नहीं है गाड़ी में, विट्स इन्हीं चीज़ों से मार खाई है विट्स ने, और इसकी की जगह काफ़ी और जैपनीज़ गाड़ियों ने ले ली है। जहाँ तक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो गाड़ी का नंबर देखा जाए GA237 है। GA मीन्स गुजरांवाला की रजिस्टर्ड है, जो कि पंजाब में ही आता है, और 18 का कहा जाए तो मैंने जैसे पहले बताया मेरी एक वीडियो है ट्रुथ ऑफ नंबर प्लेट्स के नाम से, उसमें बताया हुआ है कि 18 का मतलब मॉडल नहीं है, ये मॉडल 2014 है, 18 की इंपोर्ट है गाड़ी और 18 का नंबर। बैक से देखी जाए गाड़ी तो बैक वाइज भी शेप इसकी जैसे मैंने पहले बताया सेम सिमिलर है, कोई खास चेंजेस नहीं, जस्ट चेंजेस हैं। तो इस पर लाइट का है, लाइट काफ़ी अच्छी स्पाइडर शेप लगती है, बम्पर सेंसर है फ्रंट पर भी बैक पर भी, बाकी शेप वही है और आज भी अच्छी लगती है शेप। और पाकिस्तान में देखा जाए इसकी सर्विस मेंटेनेंस इजी है, और इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर का भी खर्चा 4-4.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, अच्छे ऑयल का अगर आप डलवाएं तो वो 5-6 हज़ार पे चला जाएगा। पार्ट्स का ताल्लुक है, पार्ट्स सारे मिल जाते हैं, लाहौर का है तो बलालगंज से मिल जाते हैं, और इस्लामाबाद पिंडी में भी मार्केट है काफ़ी बड़ी, उधर से मिल जाते हैं, बाकी क्वेटा साइड पर भी है उधर से भी मिल जाते हैं। और ये गाड़ी काफ़ी अगर कहा जाए आपको सिर्फ पंजाब में नज़र आएगी, इवन कराची साइड पर भी नहीं नज़र आएगी, पंजाब में
या आपको इस्लामाबाद साइड पे नज़र आएगी। गांव शाओ में नहीं नज़र आती क्योंकि गांव का इसका ट्रेन का थोड़ा सा नीचे लगती है जिसकी वजह से लोग नहीं लेते। ये वो बात है जो मैं आपको कर रहा हूँ जो काफ़ी कम लोग ही करते हैं कि गांव में ये गाड़ियाँ क्यों नहीं होती। बट मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ कि मैं गुजरांवाला गया हूँ, बहुत लोगों ने एक चेंज, जो असल चेंज, ये वो इमरान खान वाला चेंज नहीं, ये असल चेंज जो आप कहते हैं कि हैरान हूँ कि यार गुजरांवाला में जैपनीज़ गाड़ियाँ आप जाके देखें, ज़रूर जाके देखें, वो गाड़ियाँ जो लाहौर में नहीं बिकती गुजरांवाला में है। और मैं बहुत सल्यूट करता हूँ कि यार लोकल गाड़ी की जहालत और अजाब से निजात है, बिल्कुल उन लोगों ने काफ़ी चेंज किया अपने आप को। इंजन की बात की जाए तो ये 1 लीटर इंजन है, काफ़ी लोग कहते हैं यार इंजन नहीं दिखाते, तो बिल्कुल ये फ्यूज़ बॉक्स है, ठीक है। ये इसकी माउंटिंग आ जाती है गाड़ी की, ये आपका वाइपर का पानी, ये सीलिंग है। जब भी गाड़ी लें ये चीज़ ज़रूर चेक करें, ये साइड इसकी फ्रेम चेक करें, इसके नट चेक करें कि अगर ये खुले तो नहीं हुए, खुले हुए हैं तो इसका मतलब गाड़ी का बोनट जो है रिप्लेस है, कोई चक्कर। बैटरी है भाई, ये फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है, ये कूलेंट है इसका, ये कूलेंट की बॉटल है, ये कभी ना खोलना, इस पर लिखा भी होता है स्पेशली कि ये नहीं खोलना आपने। जब ठंडी गाड़ी पे ज़रूर खोल के आप चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहिए, गर्मियों में कम होता है। ये कूलेंट बॉक्स है, जब भी कम हो यहाँ से इसका लेवल लिखा है, आप चेक कर सकते हैं। फ़ैन, डिगी की बात की जाए तो अच्छी खासी डिगी है, स्पेस गाड़ी की अच्छी खासी। लेग स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी ओवरऑल खुली डुली है, बट पीछे से अगर कहा जाए गाड़ी में लेग स्पेस। इंटीरियर का सवाल है तो इंटीरियर में इन्होंने थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं, जैसे कि मल्टी स्टेयरिंग ये चीज़ें आ गई हैं, बट मीटर वही है, जस्ट एक थोड़ा सा डिजिटल नीचे दे दिया है, ऑप्शंस कोई ख़ास नहीं दिए, वही पुराने बटन, वही सब कुछ। इधर से शुरू करते हैं, ये कॉइन रखने वाला है, ये काफ़ी लोग इसको समझते हैं पुश स्टार्ट है, पुश नहीं है। इसमें पुश वेरिएंट भी आता है बट स्माइल या जूलिया एडिशन में आता है, ये चाबी वाली गाड़ी है। ये चीज़ काफ़ी लोग पूछते हैं ये क्या है भाई, ये इसके जो बम्पर सेंसर लगे हैं ये उसका मीटर है, आपको बताता है अगर कोई गाड़ी राइट पे, आपकी कोई चीज़ है राइट पे बोलेगा, लेफ्ट पे है आपको बोलेगा, प्रॉपर इंडिकेशन होगी इसमें, इसमें प्रॉपर इंडिकेशन होगी, लाइट जलेगी। बैक पे कोई चीज़ है तो बैक वाली जो गाड़ी बनी हुई है आपके सामने, इस पे बैक पे कोई चीज़ होगी, राइट पे होगी लेफ्ट पे होगी, वो साइड ब्लिंक करेगी। एयर बैग का ताल्लुक है तो एयर बैग गाड़ी में 4 एयर बैग हैं, इसमें 6 वाला भी पैकेज होता है, स्माइल में आते हैं। बाकी रडार नहीं है, ये बहुत एक बुरी चीज़ है। हीटेड सीट्स नहीं है जो होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हीटेड सीट्स का यूज़ नहीं है, भाई है यूज़, सर्दियों में अगर आप यूज़ करने वाले हो तो है, क्यों नहीं है यूज़। चीज़ जो मुझे लगती है ये चीज़, अब गाड़ियों में आप जैपनीज़ में जितने में भी देखें 660 सीसी में ये पैनल जो है ख़त्म हो गए हैं, बट इसमें भी वो पुराने पैनल हैं। वैसे तो पायदार है अगर कहा जाए, ये ख़राब नहीं होते सालों साल, बट ये कि चेंज करना चाहिए था, अब तो टच में आ गए हैं सारे। LCD इसका काफ़ी अच्छा पायदार है, और ये मैं बताऊँ 15 साल चलता है। डैशबोर्ड काफ़ी खुली डुली जगह है आपके सामने, स्पीकर गाड़ी में देखा जाए 6 हैं, 4 दरवाज़ों में और 2 ये साइडों पे हैं। गाड़ी की कटिंग काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ है, और एज़ कम्पेयर टू अगर आप 660 सीसी चलाते हैं उनमें यही इश्यूज़ रहते हैं कि आपको अंडर पावर का फील होता है, बशर्ते कि गाड़ी आपकी टर्बो। ओवरऑल ड्राइव वाइज गाड़ी स्मूथ है, 1000 सीसी के हिसाब से भागती भी है। और अब लोग काफ़ी कहेंगे भाई आप 0-100 नहीं मारते, रोड भी आगे खाली है, तो भाई दिल भी नहीं करता, और मेरा नहीं ख्याल भगानी चाहिए गाड़ी, प्यार से चलाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने भगाने के लिए गाड़ियाँ आए हैं तो फिर भगाने के लिए आप 1.8 ले लो या और कोई ले लो, एक और ले लो। जी तो कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, उम्मीद है विट स्टूडेंट 14 का रिव्यू आपको पसंद आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की, स्टिल चीज़ें रह गई होंगी, छोटी मोटी गलती हो सकती है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें, और मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट्स करते हैं, किया करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट सब कुछ किया करें यार, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें कमेंट करें। जाते आते बात कहता जाऊँ, जैपनीज़ गाड़ियाँ पायदार हैं, अगर आप लोकल में क्वालिटी नहीं दे सकते, चीज़ें निकाल देते हैं तो जैपनीज़ पे ड्यूटी कम कर दें, जो कि बहुत एक ज़्यादती है ड्यूटी इन गाड़ियों पे, 8-8, 10-10 लाख रुपए ड्यूटी, और ये मेरी नहीं भाई, ये सारी पब्लिक की ये आवाज़ है। इसी वजह से फिर नॉन कस्टम लोग गाड़ियाँ लेते हैं, मैं उनके कोई प्रमोट नहीं उन्हें कर रहा, बट मैं एक रियलिटी ही बता रहा हूँ। गाड़ी इम्पोर्ट का जो पुराना तरीका है वो खोल दें, इसमें ये कि पासपोर्ट का भी आप ख़त्म कर दें, जिसने जो मंगवाना है मंगवाएं, प्रोसीजर भी उसको भी चेंज करके डिफरेंट आप एक जिसे कहते हैं कि आसान कर दें, कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करे ये पासपोर्ट से पासपोर्ट के ड्रामे और ये क्लियरिंग एजेंट के ड्रामे ये सारा ख़त्म करें, क्योंकि इससे बहुत लोगों का काम इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत लोग आप पूछें सही लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, इतनी इन्होंने महंगाई कर दी। और मैं क्या कह सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें कमेंट करें, कोई चीज़ हो लाजमी डिस्कस करें, आपने भी अपनी किसी किस्म की गाड़ी का रिव्यू करवाना हो मुझे कमेंट्स में लिखें, अगर मैं नहीं किया होगा कर लेंगे यार, किया होगा तब भी देख लेंगे यार, कर लेंगे कोई मसला नहीं। दुआ में याद रखिएगा, ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ रिव्यूज़ कंपेरिजन और भी काफ़ी कुछ आपके लिए लाते रहेंगे, डिफरेंट वीडियोज़ भी लाते रहेंगे क्योंकि चैनल का नाम ही यही है। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।